औरंगाबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 72,000 बच्चे गायब हो गए हैं। ढूंढने पर भी इनका कहीं सुराग नहीं मिल रहा। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि शिक्षा विभाग का डेटा इस बात की चीख चीख कर पुष्टि कर रहा है। दरअसल मामला जिले के सरकारी स्कूलों में फर्जी नामांकन के खेल से जुड़ा है, ताकि विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि का बंदरबांट किया जा सके। इसका खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग के निर्देश पर डीबीटी के लिए नामांकित बच्चों का डेटा विभाग के मेगा सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया गया। आंकड़े बताते हैं कि जिले के सरकारी स्कूलों में कुल 4,74,822 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन डेटा अपलोड किए जाने के बाद ये संख्या घटकर 4,28,10 हो गई। यानी कि लगभग 72,000 नामांकित बच्चों की कोई जानकारी विभाग के पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में इस फर्जीवाड़े ने विपक्षी दलों को बैठे बिठाए राज्य सरकार की खिंचाई का एक अच्छा मुद्दा दे दिया, जिसे विपक्षी भुनाने में भी जुट गए। 72,000 बच्चे केवल गायब हैं औरंगाबाद जिले से, तो पूरे बिहार में लगभग 40 जिला है, तो लगभग 30,00,000 बच्चे गायब होने की संभावना है। यह फर्जीवाड़ा है अधिकारियों के मिलीभगत से, सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, और जो साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, मध्याह्न भोजन योजना है, बंदरबांट हो रहा है। इसकी CBI से जांच होनी चाहिए। सारे के सारे लोग जेल के कटघरे में नजर। इधर फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही विभागीय अधिकारियों के पसीने छूटने शुरू हो गए और पूरा महकमा इसकी लीपा पोती में जुट गया। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़ा को मानने से इनकार किया है और बताया कि जल्द ही इस गैप को दूर कर लिया जाएगा। उनके संबंध में यही कहना है कि उनका कुछ का तो अकाउंट ही नहीं मिला, और बाकी जो अकाउंट मिला तो वो मिसमैच और मैच के पोजीशन में अभी है। प्रधानाध्यापक उसको मैच करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे आंकड़ा गिर रहा है, नीचे गिरते जा रहा है, और लगता है कि एक सप्ताह के अंदर में ये हम लोग सही जगह पर पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने नामांकित छात्र छात्राओं की पूरी जानकारी आधार कार्ड और खाता संख्या समेत मेगा सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया है, ताकि DBT के माध्यम से उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जा सके। लेकिन अपलोडिंग की तिथि समाप्त हो जाने के बाद 72,000 से अधिक बच्चों का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल पाया। ऐसे में लोग यदि इसे सरकारी योजनाओं के मद में मिलने वाली राशि का बंदरबांट करने की साजिश नहीं कहें तो फिर और क्या कहें। पंजाब केसरी TV की औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट।